नमस्कार, मैं आनंद राव, सभी म्यूजिक लर्नर्स कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत कव्वाली, चाहे भजन बोल दीजिए या कव्वाली बोल दीजिए, तो जो कि हम सर हयात जी के द्वारा कंपोजिंग की गई है और उन्हीं के द्वारा गाई गई है। तो आज मैं आप लोगों को वो भजन सिखाने वाला हूँ और इसका ट्यूटोरियल मैं बिल्कुल बारीकी के साथ, नोटेशन एकदम बारीकी के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसका जो स्टार्टिंग का म्यूज़िक है, उसके बाद जो स्थाई है, देन इसके बाद फिर से एक म्यूज़िक है, उस सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट कंटिन्यू लेकर आता रहूँगा। बेंजो ही नहीं, तबला, हारमोनियम, वोकल, क्लासिकल और लाइट म्यूज़िक की ट्रेनिंग के लिए भी कई सारे ट्यूटोरियल इन फ्यूचर अपलोड होते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और जो लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, यहाँ पर मेरा नंबर चल रहा है, मैं बेंजो की ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, लाइव बेंजो क्लासेस में लेता हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, इस नंबर पर मुझे हाय हेलो नमस्कार का मैसेज भेज सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। तो आइए बिना देर करते हम लोग शुरू करते हैं इस भजन का ट्यूटोरियल। तो ये शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो भजन है ये मैं आपको काली तीन एफ शार्प नोट से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप सभी लोग अपने तार को सी शार्प मतलब काली एक से मिला लीजिएगा। और यहाँ पर राग चारुकेशी, चारुकेशी के सुर मैं आपको बता देता हूँ। सा रे गा मा पा ध कोमल नी कोमल और सा, ठीक है। ध और नी कोमल है, बाकी सारे शुद्ध है। इसका जो म्यूजिक है वो पहले म्यूजिक सुनिए। शुरू होता है दीवाना तेरा है, ठीक। तो ये है पूरा म्यूजिक। अब इसके बारीक नोटेशन हम लोग समझते देखें। स्टार्टिंग सा 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 रे गा गा सा 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 रे गा गा रे गा गा रे गा गा। दूसरे वाले ग में आपको खटका लेना है, ठीक है। सा 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 रे गा गा सा 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 रे गा गा सा सा। तो सा सा जो है ना, उसमें पहले वाले सा पे मुर्की है, किसी ग रे सा, ठीक है। सा 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 रे गा गा सा सा। फास्ट जाना है आपको, ठीक है, मुर्की वाला पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे वो वाला पैटर्न आप लगा सकते हैं स्ट्रम पर। दा दिड़ दा दा या तो सिंपल बजाइए। सिंपल बजा सकते हैं या दादी दा के साथ, क्योंकि दादी दा इस स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ यदि आप बजाएंगे तो ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा, है ना। तो ये पूरा क्या हुआ देखिए। इसके बाद ये तो बेंजो का फिलर हो गया, देन उसके बाद आता है आर्गन वाला, वो कैसा है देखिए। इस
इसको सीखते हैं। पा ग ध ध, तो जो ध है ना दोनों उसमें आप प का कर्ण लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब लास्ट वाला जो गा है जहां पर हम रुक रहे हैं वहां पर रे का कर्ण लेना है। इसको दो बार बजाना है, ठीक है। देन इसके बाद या तो आप मध्य सप्तक से बजा दीजिए या फिर इधर आप तार सप्तक से बजाइए। रे सारे 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 सा धा पा, रे सारे 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 सा धा पा, धा 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 पा, ठीक है। दा दिड़ दा दा दा, तो आप स्ट्रमिक पैटर्न भी अपना यूज कर सकते हैं दा दिड़ वाला, ठीक है। तो ये पूरा म्यूजिक हुआ। देन इसके बाद शुरू होता है दीवाना तेरा आया, देखिए वो कैसा है। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में सा सा रे, दीवाना तेरा आया दीवाना तेरा सा सा रे पागा सा सा रे पा, पा पे आपको ग का कर लेना है। सा सा रे पा ग पा ग, जो लास्ट वाला गा है उस पे मींड है पा ग। तो मींड आपको पता है बैंजो में क्लियरिटी से तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका फील हम लोग दे सकते हैं। तो वहां पर हम लोग ये जो बीच में दो बटन आ रही है इसको हल्का सा स्पर्श करते हुए जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मींड का फॉर्म आ रहा है वहां पर, ठीक है। सा सा रे ग सा सा रे पा ग पा ग, ठीक है। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी दा 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 पा में गरे गरे सा, बाबा तेरी शिरडी में दा 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 पा गरे गरे सा। देन उसके बाद दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, तो दीवाना तेरा सा 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 दीवा सानी धपदा सानी सानी, ठीक है। सा का कर लेते हो जाना, सानी धपदा दीवाना तेरा आया सा सा सानी, तो सा सा सानी तीसरे वाले सा पे खटका है। दीवाना तेरा आया देन बाबा तेरी शिरडी में, बाबा तेरी शिर नी 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 धा बाबा तेरी शिरडी में नी सा पा नी पे धा का कण सा पे नी का कण नी सा पा डी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। देन वही नजराना दिल का नाया बाबा तेरी शिरडी में, ठीक है। देन मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया पा 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 दा पा मा मा पा मा गा गा मा मा पा 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 दा पा मा मा
ठीक है, तो ये हो गया म्यूजिक स्टार्टिंग का और स्थाई। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अंतरा, लेकिन अंतरे से पहले भी एक म्यूजिक है जो कि सिंथेसाइजर पर बजाया गया है और लास्ट में तिहाई बैंजो पर दी गई है। ठीक है, तो उस म्यूजिक को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर म्यूजिक है, वो भी देखिए, पहले उसको सुन लीजिए। इसके बाद अंतरा शुरू हो जाता है। तो इस म्यूजिक की सरगम क्या है देखिए, पधारे सारे सारे सा पधा पमा नी 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 धनी धनी सा धा पा नी धनी ध, तो ये ध शुद्ध है। ठीक है, नी धनी धनी सा धा पा पधरे सारे सारे सा पधा पमा नी धनी धनी सा धा पा। ये क्या है, ग सा है ना, बिना ऑर्नामेंट के यदि हम बजाएंगे तो कैसा बजेगा, एक्चुअल में वो ये है, लेकिन सुरों को सजाया गया है यहाँ पर ऑर्नामेंट के साथ। कौन कौन से ऑर्नामेंट लगे देखिए, तो ग पे तो खटका ले लिया म के साथ, एंड सा पे रे का कर्ण ले लिया, तो ये क्या हो गया, ग सा ग सा, देन रे नी, तो रे में इसके आगे वाले सुर का खटका और नी पर सा का कर्ण, देन सा पर रे का खटका, देन धा पे नी का कंठ, देन नी पर सा का खटका, और ठीक है, और प पे ध का कण आ गया। ठीक है, तो ये पूरा ग सा रे नी सा ध नी प, देन क्या हो रहा है देखिए, रे सा धा धा पा, तो रे सा धा धा पा, तो रे पे जब हम जा रहे हैं तो सा का कर्ण है, और जब धा पे जा रहे हैं नी का कर्ण है, रे सा धा धा पा नहीं, रे सा धा पा पा, रे सा धा पा पा, देन उसके बाद बैंजो में तिहाई है, तो ये सिंपल है, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा नी धा पा मा गा रे सा,
देन इसके बाद फिर आपका शुरू होता है अंतरा। अब अंतरे की जो सरगम है वो सेम एज इट इज सरगम है जो मैंने अभी आपको बताई थी। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, इसकी जो सरगम थी वो सेम अंतरे की सरगम है। मिलो मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी, है ना, सेम एज इट इज धुन है। तो थोड़ा सा एक वेरिएशन आप ले सकते हैं, ग से मिलो मिलो मुझको मेरे बाबा, सिंपल है। पहली बार में तो सा से शुरू हुआ, मिलो मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी, मिलो मुझको मेरे बाबा ना। तो ये एक वेरिएशन है हल्का सा, इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका स्टार्टिंग का म्यूजिक स्थाई, देन म्यूजिक, देन अंतरा, इसकी सारी सरगम मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। और इसी तरह का कंटेंट यदि आप लोग कंटिन्यू लगातार चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूस निरंतर इसी प्रकार के लेसन और भी कई सारे इंटरेस्टिंग लेसन ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।